फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टीनू आनंद का एज ए डायरेक्टर उनका बॉलीवुड फिल्मी कैरियर एनालाइज करेंगे। साल 1979 में आई मूवी दुनिया मेरी जेब में, यह मूवी टीनू आनंद की एज ए डायरेक्टर डेब्यू मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रणजीत बेदी और सुधीर शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1981 में इनकी अगली मूवी आई कालिया। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, आशा पारेख, परवीन बॉबी, अमजद खान, प्राण, केएन सिंह और कादर खान शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,75,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1984 में इनकी अगली मूवी आई ये इश्क नहीं आसान। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, पद्मनी कोहलापुरे, असरानी, इफ्तिखार, दीप्ति नावल, ओम प्रकाश और योगिता बाली शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1988 में इनकी अगली मूवी आई शहंशाह। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शोषाद्री, अरुणा ईरानी, सुप्रिया पाठक, विजेंद्र घाटके, अवतार गिल और अमरीश पुरी शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 6,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 12,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1989 में इनकी अगली मूवी आई मैं आजाद हूँ। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, अन्नू कपूर, अजीत वछानी, मुश्ताक खान और अनुपम खेर शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1991 में इनकी अगली मूवी आई जीना तेरी गली में। इस मूवी के लीड कास्ट में सूरज, कविता कपूर, अमिता नागिया, अर्चना पूरन सिंह और कुनिका सदानंद शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट और वर्डिक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। साल 1998 में इनकी अगली मूवी आई मेजर साहब। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे, नफीसा अली, मोहन जोशी, आशीष विद्यार्थी और नवीन निश्चल शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 8,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13,10,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 20,01,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2003 में इनकी अगली मूवी आई एक हिंदुस्तानी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, मोहन जोशी, प्राण, मोहनीश बहल, आशीष विद्यार्थी, कुलभूषण खरबंदा और शहबाज खान शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,05,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,85,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही और ये ही टीनू आनंद की डायरेक्ट की हुई आखिरी मूवी है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको टीनू आनंद की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। टीनू आनंद की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।